YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। करनाल के इंद्री के पास एक ऐसा गांव है जहां की महिलाएं ही नहीं पुरुष भी गांव का नाम लेने से भी शर्माते हैं। मामला महिला आयोग के संज्ञान में भी आया तो महिला आयोग के उपाध्यक्ष प्रीति भारद्वाज ने गांव का नाम बदलने के लिए कदम भी उठाए हैं। प्रीति भारद्वाज ने खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री कर्णदेव कंबोज, चीफ सेक्रेटरी और इसके अलावा संबंधित डीसी को एक चिट्ठी भेजी है और गांव का नाम बदलने की मांग भी उठाई है। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि गांव का नाम कुछ इस तरह का रखा जाना चाहिए जिसका नाम लेते हुए गांव का हर शख्स गर्व महसूस कर सके। वो एक महिला क्या देख लीजिए, पुरुष बच्चे कोई भी उसका नाम लेने में उनको बहुत एक हिचक महसूस होती है, बहुत एम्बैरेसमेंट की फीलिंग होती है। तो उसके लिए उनके सरपंच ने भी बहुत बार रिक्विजिट अथॉरिटीज को उन्होंने लिखा और एक तरीके का एजिटेशन सा उस गांव में हुआ और हमारे संज्ञान में ये मामला आया। तो हमने कर्ण कंबोज जी को एक पत्र लिखा है जिसमें हमने उनसे आग्रह किया है कि गांव को, उसके परिवेश को ध्यान में रखते हुए, उसके बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए और जो कि म्यूचुअली एग्रीड एक सहमति बन पाए और उनको एक संकोच ना हो अपने गांव का नाम लेने में, एक ऐसा सुसंस्कृत एक नाम हो कि वो भी अच्छा लगे कि अपने आसपास के रिश्तेदार, आसपास के माहौल परिवेश में जिस प्रकार से बाकी गांव के नाम हैं उनको भी अपने गांव का नाम लेने में गर्व महसूस हो।